स्टूडेंट्स, अपने जो प्रैक्टिकल की जो सीरीज चल रही है अभी, उसमें कल अपने एग्जाम स्टडी किया था, उसके बाद में अपने मेजरमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बाय ग्राउंड फोटोमीटर किया है, ठीक है। और ये आपका थर्ड प्रैक्टिकल है, ये भी ट्रांसपोर्टेशन का है। मैंने आपको बताया था ट्रांसपोर्टेशन मेजरमेंट करने के लिए अपने अलग अलग तरीके से करते हैं, ग्राउंड फोटोमीटर से भी करते हैं, बेलजार से भी करते हैं, और फॉर लिप एक्सपेरिमेंट मतलब उससे भी अपने ट्रांसपेशन को फाइंड आउट करते हैं कितना मोटा आपका ट्रांसपेशन हुआ है, ठीक है। तो ये आपका बेलजार एक्सपेरिमेंट है, थोड़ा सा इसको देख लीजिए। एक्सपेरिमेंट करने के लिए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द ट्रांसपेशन फिनोमेनन बाय बेलजार मेथड। इससे हमने कौन इससे पहले कौन से मेथड से किया था, गैनॉन फोटोमीटर से किया था, समझे ना मैं आपको। तो ये आपका एक्सपेरिमेंट का यहाँ पे पूरा जो डायग्रामेटिक फॉर्म के यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसको अपन डेमोन्स्ट्रेट करके बताइए कि अपने किस तरीके से बेलजार मेथड ट्रांसपोर्टेशन को मेजरमेंट करते हैं। तो देखिए, पहले अपन टॉपिक को शुरू करते हैं, दो चार मिनट अपने इसको के बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको बता देते हैं, थोड़ा आपके माइंड में रिकॉल हो जाएगा, और फिर अपने एक्सपेरिमेंट को सेटअप करके भी बताएंगे, पूरा डेमोन्स्ट्रेट करके भी बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एयरिंग पार्ट ऑफ द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वॉटर वेपर, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसपोर्टेशन। यदि आपका जो वॉटर है वो आपका क्या होता है, वॉटर वेपर फॉर्म के अंदर क्या होता है बच्चों, ट्रांसपेज होता है एनवायरमेंट के अंदर, उसे अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। अब आपको पता है जो कोई भी प्लांट होता है वो क्या करता है, रूट के द्वारा क्या है, रूट से क्या करते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस से क्या करता है, वाटर को अब्सॉर्ब करता है। उस टॉपिक को अपने काफी में उसकी जो वाटर अब्सॉर्प्शन मैकेनिज्म होती है वो अपने डिटेल से उसके अलग से टॉपिक अपने फिजियोलॉजी के अंदर उसके अंदर अपने किया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बता रहे हैं, रूट के थ्रू जो प्लांट क्या करते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस वाटर को एब्सॉर्ब करते हैं, एब्सॉर्ब किया हुआ जो वाटर होता है जो प्लांट के लिए यूज्ड है, ठीक है। अब क्या होता है बच्चों, आपका जो जितना वाटर प्लांट एब्सॉर्ब करता है उसका क्या होता है, आपका मैक्सिमम 2 से 3%, ये आपको कई को देखोगे 102% लिखा हुआ है, कई में 3 से 4% मैक्सिमम मान के चले, तो आपका एवरेज ऑन एवरेज क्या है, आपका केवल 2% जो वोटर होते हैं वही प्लांट अपना क्या करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए यूज करता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी कौन सी होती है प्लांट की, तो आपका ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है, स्टोमेटिक रेगुलेशन होता है, ठीक है। प्लांट की जो स्टेट आपकी जो सीड जर्मिनेशन, फ्लोरिंग, ट्रांसलोकेशन, एसिमिलेशन, देयर आर आल्सो डिफरेंट काइंड ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी व्हिच ऑक्युर्स इन प्लांट्स, ठीक है। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी में आपको क्या होगा, 1-2% वाटर आपका यूज होगा, और जो रिमेनिंग वाटर होता है आपका 95-98% जो आपका 98% आपका वाटर होता है अप्रोक्सीमेटली, वो आपका क्या होता है बच्चों, आपको वाटर की फॉर्म में क्या होता है, एनवायरमेंट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन हो जाती है, वाटर क्या हो जाता है, पार्क को सचिन हो जाता है। क्या समझा आपने, ये टोटल वाटर का जो आपका प्लांट यूज ऑब्जर्व करते हैं उसका कुछ आपका पार्ट ही 1-2% यूज करते हैं, बाकी जो रिमेनिंग वाटर होता है उसको ट्रांसपोर्टेशन क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन की फॉर्म के अंदर जो आपका वाटर वेपर की फॉर्म के अंदर एनवायरमेंट में क्या करते हैं, उसको रिलीज कर देते हैं, उसे अपने क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए अपने बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ जो ट्रांसपोर्टेशन होता है बच्चों, 3 प्रकार का ट्रांसपोर्टेशन होता है, आपको मैंने आपको बताया था, एक तो आपकी ये टॉपिक आपकी थ्योरी के अंदर भी है, एक तो होता है आपका स्टोमेटिक ट्रांसपोर्टेशन होता है, दूसरा आपका होता है जो आपका क्यूटिकुलर ट्रांसपोर्टेशन होता है, थर्ड आपका लेंटिकुलर ट्रांसपोर्टेशन होता है। स्टोमेटिक ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है बच्चों, जो आप वाटर जो प्लांट क्या करते हैं रूट के थ्रू ऑब्जॉर्व करते हैं, ऑब्जॉर्व किया वाटर क्या होता है बच्चों, आपका स्टोमेटा के थ्रू, स्टोमेटा क्या होता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग पार्ट ऑफ द लंग, स्टोमेटा क्या करता है, गैसेस का एक्सचेंज करता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, उससे जो ऑब्जॉर्व किया वाटर होता है जो लीफ के अंदर होते हैं वाटर वेपर के फॉर्म में एनवायरमेंट में क्या होते हैं, रिलीज हो जाते हैं, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, स्टोमेटल ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है वाटर आपका ऑब्जॉर्व किया वाटर क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगी बाहर की ओर जाएगा, इसे अपन क्या बोलेंगे, स्टोमेटल ट्रांसपोर्टेशन बोलेंगे। ये टोटल ट्रांसपोर्टेशन का आपका क्या होता है बच्चों, आपका 80-90% स्टोमेटल ट्रांसपोर्टेशन होता है। सेकंड आता है बच्चों आपका क्यूटिकुलर ट्रांसपोर्टेशन आता है, क्यूटिकुलर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें आपको होता है जो हर्बेसियस स्टेम जो झाड़ी वगैरह होती है उसकी जो क्यूटिकल सरफेस होती है, क्यूटिकल सेल्स क्या होती है, एपिडर्मल सेल्स, उससे जो क्यूटिकल एरिया होता है एरिंग पार्ट्स का, उससे आपको क्या होता है बच्चों, वाटर वेपर की फॉर्म में क्या होता है, वाटर एनवायरमेंट के अंदर रिलीज होता है, उसे क्या बोलते हैं, क्यूटिकुलर ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। क्यूटिकल
सेल्स से आपको क्या वाटर आपको क्या देगा इन्वायरमेंट में क्या लगेगा ट्रांसपीरेंट हो जाएगा और शब्द क्या बोलेंगे क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन बोलेंगे ठीक है। फिर आते हैं बच्चों आपको थर्ड होता है यहाँ तो क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन होता है तो टोटल ट्रांसपीरेशन आपको कितना होता है 10-20% होता है आपका वो कितना था स्टोमेटल 80-90% मेजर स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन 10-20% लेंटिकुलर सॉरी क्यूटिकुलर और थर्ड आपका आता है बच्चों लेंटिकुलर। लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन क्या होता है जो प्लांट का आपका जो स्टेम होता है देखा है ना स्टेम इतना उसकी जो छाल होती है इंग्लिश में उसमें जो आपका जो बार जो छाल होती है उसके बीच में जो इंट्रास्टिकुलर स्पेस होता है और लेंटिसेल्स होती है इंट्रास्टिकुलर स्पेस के बीच में जो छाल के बीच में जो एरिया होता है बीच में ठीक है उस वहां से आपका जो वाटर का जो ट्रांसमिशन होता है उसे अपन क्या बोलते हैं लेंटिकुलर ट्रांसमिशन बोलते हैं। जो प्लांट जो स्टेम होता है इतना उसकी जो छाल होती है छाल के बीच में जो इंट्रास्टिकुलर स्पेस होते हैं वहां से आपका वाटर क्या वेपर की फॉर्म होती जो उसे अपन बोलेंगे लेंटिकुलर ट्रांसमिशन। टोटल ट्रांसमिशन का 0.1% होता है यानी नेगेटिव यानी नेगेटिव बराबर होता है। इस तरीके से क्यूटिकुलर ट्रांसमिशन को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है स्टोमेटल ट्रांसमिशन हो गया क्यूटिकुलर ट्रांसमिशन हो गया और लेंटिकुलर ट्रांसमिशन हो गया। अब बात करते हैं इसकी प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन की बात में तो अपने प्लांट्स में ट्रांसमिशन उसको किस तरीके से अपने मेजरमेंट करते हैं उसको मेजरमेंट करने के लिए आपको तीन मेथोडोलॉजी आती है एक तो आपकी ग्राउंड फोटोमीटर आते हैं दूसरा बेल्जर आता है और तीसरा आता है फोरलिप एक्सपेरिमेंट। तो मैंने आपको ग्राउंड फोटोमीटर आपको मैंने बताया था ठीक है और आज आपका एक्सपेरिमेंट कौन सा है बेल्जर ठीक है। तो बेल्जर के थ्रू अपने किस तरीके से आपको क्या करनी है प्लांट जो ट्रांसमिशन कितना वाटर ट्रांसमिशन कर रहे हैं उसको अपने किस तरीके से मेजरमेंट करेंगे उसका डेमोंस्ट्रेशन बच्चों इस प्रैक्टिकल वीडियो के द्वारा आपको बताएंगे ठीक है। सबसे पहले बोर्ड पे लिखा हुआ है अपने क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है देखिए आपका एक्सपेरिमेंट हो गया नाम का डेमोंस्ट्रेशन का ट्रांसमिशन फिनोमेनन भाई बेल्जर मेथड। अब इसमें कौन सी मेटेरियल रिक्वायरमेंट होती है सबसे पहले क्या चाहिए होता है पहले अपने मेटेरियल रिक्वायर्ड पड़ रहे हैं फ्री एक्सपेरिमेंट का सेटअप कैसे करते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सारे पॉइंट आएंगे। तो सबसे पहले जो मेटेरियल रिक्वायर्ड है उसमें पूछो आपको क्या है ए वेल क्या वेल वाटर पॉटेड प्लांट जो सबसे इसमें क्या लेते हैं गमला लेते हैं ठीक है ये गमला छोटा गमला होता है और ये गमला होता है उसमें जो पानी होता है वेल वाटेड प्लांट होना चाहिए उसके गमले के अंदर पानी होता है वो क्या ट्यूब से होना चाहिए क्या ट्यूब से पड़े उसको पौधे को दिया हुआ होना चाहिए। तो पहला पॉइंट आपको क्या कहता है मेटेरियल रिक्वायर्ड क्या चाहिए सबसे पहले एक आपको वेल एक वेल वाटेड पॉटेड प्लांट एक आपको क्या गमले के अंदर क्या हो पॉटेड प्लांट करनी हो पॉटेड पॉट के अंदर गमला ठीक है। तो जो पॉट के अंदर जो आपका आपका प्लांट होता है उसके अंदर वाटर होना चाहिए वो क्या आपको होना चाहिए जो ये प्लांट का जो गमला होता है गमले को अपनी जो सॉइल की जो सरफेस होती है उसको अपने क्या करते हैं इवोपोरेशन से रोकने के लिए उसको अपने क्या करते हैं गमले को जो आते हैं तो खारिज को होती है इसको अपने क्या करते हैं पॉलीथिन से या क्या करते हैं ऑयल क्लोथ से कवर करते हैं ये भी इस रिक्वायरमेंट है। अभी अपने जरूरत रिक्वायरमेंट पड़ रहे हैं इसको बताएंगे थोड़ी देर में। फिर बच्चों क्या लिखा है ग्लास सेट तो ग्लास सेट क्या होती है तो नीचे पे जो आपका जो बेल्जर होता है उसको अपने जिसके ऊपर कनेक्ट करते हैं नीचे ग्लास भी रखते हैं क्योंकि उसके अंदर आपका एयर बबल आपका इंट्रोड्यूस नहीं तो सबसे पहले ग्लास प्लेट होती है उसको गमला होता है उसको अपने बेल्जर एक्सपेरिमेंट सेटअप लगाते हैं ठीक है। ग्लास सेट हो गई फिर लिखा है ग्रीस और बेसिन ग्रीस और बेसिन इसलिए लगाते हैं कि जो आपका सेटअप लगाइए हमने जो बेल्जर का उसमें जो उसको चारों तरफ से उसका एज दिया होता है जो आपका किनारा होता है एज के ऊपर क्या कर देते हैं वैसे में ग्रीस लगा देते हैं ताकि उसमें आपकी एयर अवेलेबल इंट्रोड्यूस नहीं हो सके। अब देखिए बच्चों ये आपका एक्सपेरिमेंट इंस्ट्रूमेंट आपको कनेक्ट करके बता देता हूँ। सबसे पहले अपन क्या लिया ये आपका एक्सपेरिमेंट बोलते हैं आपका क्या है पोर्ट है ठीक है पोर्ट के अंदर ये क्या लगा आपका प्लांट लगा हुआ है समझ रहे ना मैं आपको ये पोर्ट है ठीक है पोर्ट के अंदर क्या लगा आपका ये प्लांट लगा हुआ है। अब यहाँ पे मैंने क्या लगा जहाँ से आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने पॉलीथिन लगा के उसको रबर से कवर कर रखा है ऊपर इसमें प्लांट को क्या कर रखा है तो आपकी जो है इनोकुलेट कर रखा है समझे ना बात आपकी। अब ये बात आती है कि इसके ऊपर जो मैंने पॉलीथिन को लगाया पॉलीथिन इसलिए लगाया कि अपन ट्रांसमिशन मेजरमेंट कर रहे हैं और ट्रांसमिशन किसी होते हैं बोस्ट लिखता हूँ प्लांट से होता है प्लांट कितना वाटर ऑब्जर्व करेगा और इसके लिए पहले कितना वाटर पेपर की फॉर्म क्या हुआ कन्वर्ट होगा वो आपका एक्चुअल डेटा आएगा ट्रांसमिशन का समझे। इसलिए आपका एक तो आपको जो आपकी ट्रेनिंग है कि पानी को अवशोषित करके हवा में उड़े वो तो ट्रांसमिशन हो गया। अभी क्या है गमले में यहाँ पे जो पॉलीथीन ले लगा था तो इसके अंदर क्या है आपका क्या जो बिकर के अंदर जो पानी है वो पानी क्या करेगा डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट होगा तो अपने एक्यूरेट डाटा नहीं मिल पाएगा जो पानी जो आप ट्रांसमिट हुआ है वो लीव से कितना हुआ है
डिकर्शन जो आपका डाइवर्ट ई ऑपरेशन हुआ है वो कितना हुआ है, तो अपने को एक्चुअल क्या है रीडिंग लेने की इसको क्या करते हैं लीकर को पॉलिशन से कवर कर देते हैं ताकि इसमें से जो वाटर ट्रांसमिट हो लिंक आपके जो क्या हो वाटर ट्रांसमिट हो उसको अपने कैलकुलेट कर पाए ना कि इसको बीकर के अंदर जो पानी है और डायरेक्ट ई ऑपरेशन हो रहा है उसको अपने कैलकुलेट करें, समझे ना बात आपको। तो इसका पर्पज होता है कि सेकंड थिंग क्या होगी बच्चों, सबसे पहले अपने नीचे क्या करते हैं जैसे ये टेबल रखी हुई है उसके पीछे क्या होती है बच्चों, ग्लास प्लेट होती है एक्सपेरिमेंट करा देते हैं, ये जो बेस प्लेट होती है इसके ऊपर क्या करते हैं प्लेट होती है कर लो आपका क्या है जो इतना 12 mm का मान के चलिए आपका क्या होता है ग्लास का आपकी क्या शीट होता है जो अपने टेबल पर रखते हैं ग्लास उस ग्लास को क्या करते हैं इसके ऊपर रखते हैं, समझे ना बात आपको, ये बेस प्लेट होगी तो किसकी बनी है बच्चों ग्लास की बनी है। फिर इसके ऊपर अपने क्या करेंगे ये जो आपका जो कमरा है कमरे के अंदर अपने क्या करेंगे इसको वजन कर लेंगे पहले रखने से पहले, ये आपकी क्या ग्लास प्लेट है ठीक है सपोज दैट, और इसके ऊपर अपने क्या करेंगे इस गमले का वजन कर लेंगे इस पौधे का वजन कर लेंगे इसका वजन कितना है मान लीजिए इसका वजन क्या है मान लीजिए 1 kg, समझे ना बात आपको, इसको वजन करके अपने इसको क्या है रीडिंग को लिख लेंगे। फिर इसको अपने क्या करेंगे जो ग्लास प्लेट होती है उसके ऊपर गमले को अपने रख देते हैं, और जो पौधा गमले में रख रहे हो उस गमले के क्या होना चाहिए आपको पानी पूरा आपका कौन सी पर्याप्त मात्रा में होगी, एक ऐसा नहीं कोई कोई प्लांट आप छोटा सा गमला लेकर जो उसमें पानी नहीं है वो क्या उसको इरीगेटेड नहीं है ना उसको सूखा गमला पानी नहीं ऐसा नहीं करना है, अपने को वेल वाटर कोटेड प्लांट लेना है समझे ना बात आप उसमें पर्याप्त मात्रा में पानी हो तो गमले को हम ले जाएंगे छोटे से गमले को उसमें पानी होना चाहिए पर्याप्त मात्रा में प्लांट को इरीगेटेड होना चाहिए। फिर उसको अपने क्या करेंगे वजन नापेंगे, वजन नापने के बाद उसको अपने ग्लास प्लेट में रखेंगे, ग्लास प्लेट में रखने के बाद फिर अपने बच्चों क्या करते हैं ये जो आपको क्या होता है बेल जार होता है ठीक है जो किसका बना होता है ग्लास का बना होता है इसका बनाते हैं ग्लास का बना होता है। फिर इसको अपने क्या करेंगे बच्चों इसके ऊपर यहाँ पे अपने इसके इसको लगा देते हैं इस तरीके से देख रहे हो ना लगा दिया। अब लगाने के बाद बच्चों अपने क्या करते हैं ये जो आपका एरिया होता है ये जो एरिया कहने का मतलब ये जो एरिया ये एरिया इस एरिया में अपने क्या करते हैं बच्चों वैक्सीन लगा देते हैं ग्रीस लगा देते हैं, क्यों लगा देते हैं क्योंकि यहां से बच्चों एयर के एंट्री होने के चांस रहते हैं क्यों एयर को इसके अंदर जाने नहीं चाहिए समझे ना बात आपको, तो एयर को प्रिवेंट करने के लिए एयर को एंट्री से एंट्री करने से रोकने के लिए यहाँ पे अपन क्या कर देंगे वैक्सीन लगा देंगे या फिर अपन क्या लगा देंगे यहाँ पे ग्रीस लगा देंगे। ग्रीस लगाने से क्या होगा बच्चों आपकी एयर इसके अंदर नहीं जाएगी आपकी एक्यूरेट रीडिंग आप ले लेंगे, और ये एक्सपेरिमेंट अपने क्या करते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में करते हैं आपके धूप के अंदर रखते हैं पूरा सेटअप आ गया हमें धूप के अंदर लगाएंगे। फिर बच्चों अपने क्या करेंगे कुछ देर बाद इसको अपने क्या करेंगे इसका जो रीडिंग लेंगे 1 घंटे में 2 घंटे में और इन्वायरमेंट का अपने एयर कंडीशन आप लेंगे इन्वायरमेंट में टेम्परेचर कितना है ठीक है ह्यूमिडिटी कितनी है इन्वायरमेंट में जो रीडिंग होती है वो भी अपने कैलकुलेट कर लेंगे इतने टेम्परेचर में इतना ज्यादा गर्मी पड़ रही है तो ट्रांसपिरेशन अल्टीमेट सीधी सी बात है वेरी सिंपल ज्यादा हुआ कम टेम्परेचर तो आपका क्या होगा ट्रांसपिरेशन स्लो होगा ह्यूमिडिटी का भी सिंपल टाइम उसको मेजरमेंट करके उसको भी रीडिंग लेते हैं और इसको धूप में रखने के बाद इसको अपना जो डाटा जो कैलकुलेट करते हैं उसका टाइम पीरियड देखते हैं कितने इंटरवल में कितना आपका क्या हुआ है ट्रांसमिशन हो रहा है। फिर क्या करेंगे बच्चों इसको रख दिया रखने के बाद उसको अपने क्या करेंगे कुछ टाइम के बाद देखेंगे 1 घंटा अपने आधे घंटा जो भी आप देखोगे उसके बाद में तो फिर क्या होगा यहाँ से जो पौधा गंदा है अब ये क्या करेगा यहाँ से वाटर अब्जॉर्ब करेगा अब्जॉर्ब किया वाटर लिफ्ट के अंदर आएगा और लिफ्ट के साइड में आपको मैंने बताया था 90% ट्रांसमिशन हो सकता है स्टोरेज ट्रांसमिशन होता है तो आपका लिफ्ट में से वाटर आ गया यहाँ से वाटर अब्जॉर्ब किया लिफ्ट के अंदर आएगा लिफ्ट में से वाटर में पूरी फॉर्म में निकल आएगा ये बार ऐसे फिर जाके तो आपकी क्या है कि इनर वाल है ये बैरियर है इसी ये आपकी ग्लास का बराबर है यहाँ से वाटर में पूरी मिलेगी वो आपकी ड्रॉपलेट के रूप में वाटर ड्रॉपलेट के रूप में क्या हो जाएगी यहाँ पे जाके इकट्ठी हो जाएगी तो बाहर में भी जाएगी ऊपर तो जाने पाएगी तो कुछ रिकवर अपन ने फिर क्या होती है जो आपकी वेपर होती है वो यहाँ जाके जो इनर वाल होती है जो इनर सरफेस होती है जिसकी बैल जाती है उसमें जाके क्या होती है अटैच हो जाती है तो वापस जाने के बाद तो आपकी ड्रॉपलेट के फॉर्म में क्या हो जाएगी इकट्ठी हो जाएगी फिर वो क्या करेगी नीचे गिरेगी तो आपने पढ़ा हुआ जो आपका इसको कंडेंसेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को अपने वाटर साइकिल के अंदर भी आता है यदि वाटर वेपर होती है वो इवेपोरेट होकर जाती है वापस वो बारिश में क्या वापस स्पिन करती है उसको क्या बोलते हैं कंडेंसेशन वेपर फॉर्म या बैक कन्वर्ट इनटू द क्या कहते हैं
आपके गैस को मैप करने पर टू द लिक्विड फॉर्म दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन. ठीक है, तो आपकी जो गैस होती है जो वेपर फॉर्म में जा रही है वो वापस लिक्विड फॉर्म में जब पानी के अंदर को मिली चले तो उसको हम कंडेंसेशन बोलेंगे. ठीक है, तो वाटर सिक्योरिटी का अपना आता है. इस तरीके से बच्चों क्या होता है, आपका वाटर का ट्रांसमिशन होता है. यहाँ पे ड्रॉपलेट सेट हो जाएगी, वो ड्रॉपलेट क्या लगे आपके नीचे गिरेगी उस टाइम के बाद. ठीक है, तो इसको मैं अलग कर लेंगे बेलजार को. फिर क्या करेंगे बच्चों, कुछ टाइम के बाद अपने क्या करते हैं, फिर अपने बेलजार को वहां से हटा देते हैं. क्योंकि जो गमले के अंदर जो आपका वोट था वो प्लांट ने क्या किया, आप सब उसको ट्रांसपिरेशन कर दिया. वो ट्रांसपिरेशन कितना हो गया, वेपर फॉर्म में जाके इसकी इनर वॉल की जो सरफेस होती है यहाँ पे अंदर की तरफ होती है, वाटर ड्रॉपलेट के रूप में क्या होते हैं लग जाता है. तो जितना वाटर, कितना वाटर प्लांट ने ट्रांसपिरेशन किया उसके अमाउंट को अपने इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे. पोर्ट को जो आपका जो प्लांट का उसका वे वजन है उसको मेजरमेंट करके अपन क्या करते हैं इसकी रीडिंग निकालते हैं, कितने टाइम के अंदर आपका कितना वाटर वो ट्रांसपिरेशन हुआ है. समझे ना बात आपको, वजन कर लेंगे, वजन करने से अपने उत्तर मिल जाएगा. रखते हो 1 किलोग्राम था 150 ग्राम रह गया, उसको क्या करते हैं माइनस कर देंगे. ये आपका जो भी रहेगा 200 ml वो आपका वाटर क्या रहेगा बच्चों, ट्रांसपिरेशन हो जाएगा. ठीक है, तो कहने का मतलब ये था आपका. इस तरीके से क्या करते हैं बच्चों, बेलजार एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं अपने ये ट्रांसपिरेशन को मेजरमेंट करते हैं. अब बात आती है प्रिकॉशंस की, प्रिकॉशंस क्या क्या रखने चाहिए बेलजार एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करते वक्त. पहला प्रिकॉशंस ये होता है बच्चों, आपका एयर टाइट होना चाहिए. जो आप बेलजार रखे हो ना इसके अंदर, तो वो शुड बी बेलजार शुड बी एयर टाइट. इसके अंदर यहाँ पे वैक्सीन होना चाहिए और यहाँ पर भी अपने जो इसको कवर है कवर लगाते हैं, यहाँ पर भी ग्रिस लगा होना चाहिए क्योंकि यहाँ से भी एयर का जाने का चांसेस होता है. इसको यहाँ पर ग्रिस लगा के इसको एयर टाइट कर देते हैं. ठीक है, नीचे ग्रिस लगाना चाहिए. पहली कंडीशन क्या है, एयर टाइट होना चाहिए. सेकंड कंडीशन क्या है, जो आपका बेलजार है वो आपका क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए. और इसके अंदर जो सनलाइट आती है वो इसको पेनिट्रेट कर पाए, क्योंकि सनलाइट इसको पेनिट्रेट करेगी तभी इसके अंदर जाएगी. इसके अंदर क्या बढ़ेगी, गर्मी बढ़ेगी, फिर आपका क्या होगा ट्रांसमिशन का क्या होगा ज्यादा होगा. तो कहने का मीनिंग पहला क्या हो, एयरटाइट हो. दूसरा क्या होना चाहिए आपका, ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए. इसके अलावा ठीक है, बेलजार आपका एयरटाइट होना चाहिए. और जो गमला होता है वो आपका क्या ले रहे हो, उसके अंदर पानी होना चाहिए, वो ड्राई नहीं होना चाहिए. क्या होना चाहिए, जो गमला ले रहे हो छोटा गमला ले रहे हो उसके अंदर पानी इरिगेटेड आपका क्या होना चाहिए, पोटेड प्लांट होना चाहिए. ठीक है, एक तो इरिगेशन है, तीसरा मैंने आपको बताई दिया पेनिट्रेशन होना चाहिए इसके अंदर. और इसकी जो क्या होती है, जो सरफेस होती है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो इसकी जो मैंने आपको बताया जो पहले इसको अपन क्या करते हैं पॉलीथिन से कवर कर देते हैं गमले को. ठीक है ना, ये आपका क्या होना चाहिए, आपका पॉलीथिन से कवर होना चाहिए. पॉलीथिन से कवर होगा तो आपका जो क्या होगा, जो गमले के अंदर आपका क्या है पानी है, यानी बीकर के अंदर जो पानी है वो आपका क्या होगा एवो प्लस डी हो पाएगा. इससे अपन क्या करेंगे एक्चुअल रीडिंग ले सकेंगे. तो ये बच्चों आपका क्या रहता है एक्सपेरिमेंट रहता है बेलजार एक्सपेरिमेंट. समझे ना, इससे पहले अपने क्या किया था गैनोमीटर के, ये आपका बेलजार है. ये मेथड होती है जो ट्रांसपोर्टेशन को मेजरमेंट करने की, कितना ट्रांसपोर्टेशन का आपका जो वोटर है कितना वो प्लांट से ट्रांसमिट हो रहा है. ये रहता है नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आपका रहेगा दोस्तों, फोर लीफ एक्सपेरिमेंट रहेगा. ठीक है, इसको रहेगा आपके प्रैक्टिकल के अंदर भी थ्योरी के अंदर भी आता है. आप इसको देख लीजिए समझ लीजिए और मेरे हिसाब से मैंने मोस्ट ऑफ द पॉइंट क्लियर कर दिए. बाकी कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो. मोस्ट वेलकम, थैंक यू.